राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर थाना पुलिस ने बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार घटना 7 अप्रैल की है। आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर उसे अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता ने नगर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए 2 पुलिस की टीमों का गठन किया था। पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी और उसके परिजन फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी के ताऊ का निधन हो गया है और वो गांव समेला कला आएगा। पुलिस ने गांव के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान तैनात किए। देर रात गांव में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दिनांक 7 अप्रैल 2022 को थाने पर एक महिला परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी बच्ची के साथ में, जिसकी उम्र बच्ची की उम्र है 7 साल, उसके साथ एक लड़के ने दुष्कर्म कर लिया है। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल मुआयना जो दुष्कर्म संबंधी वो करवाया गया और मुलजिम की तलाश हेतु 2 टीमें गठित कर और रवाना किया गया। लेकिन घटना के समय से ही मुलजिम इकबाल और उसके परिवारजन फरार हो गए थे। उनके पास मोबाइल नंबर भी नहीं थे, इस वजह से ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर भी हमारे जवान जो मुख्य तंत्र के जरिए उनकी सूचनाएं एकत्रित की, मुलजिम यूपी हरियाणा उड़ीसा अपने फरारी काट रहा था। अभी 5 दिन पहले मुलजिम के ताऊ का देहांत हो गया था। उस देहांत की खबर उसको मिल गई। मिलने पर वो गमी में बैठने के लिए गांव सेमला में आ रहा था। इसी मुखबिर की सूचना पर कल जाल बिछाया गया कि वो रात के अंधेरे में यहाँ गांव आ रहा है और हमारे बिछाए जाल में वो फंस गया और उसको गांव के बाहर पैदल पैदल आते ही उसको धर दबोचा।